वेलकम टू YRS एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले की वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। इस एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं एंड प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया था एंड द एग्जांपल इज बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द वाइट पाउडर। राइट बच्चे, चलिए। उसके बाद हमने देखा था केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, कुछ इक्वेशंस ऐसी जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल एंड LPG, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइट, ये सब हमने स्टडी किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। आज हम स्टडी करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम केमिकल रिएक्शंस की करैक्टरिस्टिक्स को क्यों स्टडी करते हैं। राइट, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे अबाउट कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस नोन एज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड into new substances called products, right? Chemical reactions में क्या होता है, reactants convert होते हैं new substances में और उनको क्या कहा जाता है, products, राइट। दिस इज द नंबर वन पॉइंट। ओके, उसके बाद अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन हुआ। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑफन अकंपनीड बाय सम फीचर्स। क्या होते हैं इसके साथ साथ, कुछ फीचर्स डेवलप होते हैं विच कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजिली। राइट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ, तो जब कन्वर्जन होता है तो कुछ फीचर्स डेवलप होते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ओके, इन्हीं फीचर्स को क्या कहा जाता है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस, दीज ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस विच टेक प्लेस एज ए रिजल्ट
ऑफ केमिकल रिएक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। हम इसलिए स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ये ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं और जो चेंजेस हुए ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, तो ये ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस हुए इन्हीं को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है, राइट बच्चे। अब ये आप वन बाय वन सबसे पहले नोट्स बनाएंगे, देन उसके बाद स्टडी करेंगे हम। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे नंबर वन क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट। नंबर टू है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नंबर थर्ड इज चेंज इन कलर। नंबर फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर एंड नंबर फाइव इज चेंज इन स्टेट। ओके, दीज फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये हैं, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, राइट। अब अगर कहीं भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, राइट। तो आपको क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद? फर्स्ट पॉइंट दिस, सेकंड पॉइंट इज दिस एंड थर्ड पॉइंट इज दिस, उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ से एंड फिफ्थ पॉइंट इज दिस, राइट। तो इनको नंबर वाइज आपको नोट करना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट की स्टडी करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग YRS Academy।